तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के बज रहे हैं 5 और मैं अपना स्पोर्ट मोड में तैयार हो गया हूँ। शाबाश बेटा। सुबह दौड़ने के लिए तो मैं सोचा इस बार आप लोगों को लेके चलता हूँ कि मैं कहाँ दौड़ने जाता हूँ। अच्छा, हमको सिखा रहा है, तो चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग सब? पता नहीं मैं आप लोग को दिख रहा हूँ कि नहीं। तो मैं थोड़ा आगे चलता हूँ जिधर एक्चुअली रोड तरफ जिधर लाइट वाइट लगा हुआ है। तो दोस्तों आ गया हूँ मैं यहाँ पे। मैं क्या करूँ फिर, जॉब छोड़ दूँ? तो अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। यहाँ पे बहुत कम लोग हैं, 2-4 लोग। तो मैं आगे जाऊँगा, यहाँ से नहीं दौड़ता हूँ, थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, कम से कम 100 मीटर। उसके बाद यहाँ पे लाइट है तो यहाँ पे अच्छा दिख रहा है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ यार चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो किया ही करो यार। कोई तरीका है भीख मांगने का? है ना, आपके भाई का चैनल है और जैसे अच्छा लगता है तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब किया करो। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग को इंटरटेन कर पाऊँ। तो चलते हैं थोड़ी देर और, थोड़ा दूर और है। इधर कोई नहीं दिख रहा, इधर 1-2 लोग ही हैं चारों तरफ से। तो दोस्तों अभी से नहीं पहुंचा मैं, पहुंच रहा हूँ, पहुंचने वाला हूँ। तो दोस्तों बहुत लोग को लगता होगा ना कि ब्लॉगिंग करना एकदम आसान है। पहली बात तो ना, आप जैसे कि कहीं पब्लिक में जाओगे ना तो उतना आसान भी नहीं लगता। ऐसे कैमरा उठा के चारों लोग देख रहे होते हैं, ऐसे लगता है जैसे कि पता नहीं उन लोग क्या ही कर डालेंगे। और मतलब चारों लोग ऐसे देख रहे होते हैं जैसे कभी देखा ही नहीं किसी ब्लॉगर को। तो उतना आसान भी नहीं होता ब्लॉगिंग करना। चलो ऐसे खाली जगह में तो आप थोड़ा फ्रीली होके बोल सकते हो, लेकिन तो दोस्तों पहुंच गया हूँ मैं ग्राउंड में और आप देख लो दिख रहा होगा कि 2-4 लोग अभी रनिंग कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। अभी मैं यहाँ से ऐसे जाऊँगा, फिर ऐसे दौड़ के फिर ऐसे 4-5 चक्कर लगाऊँगा, उसके बाद यहाँ पे मैं स्ट्रेचिंग वगैरह करता हूँ दौड़ने के बाद। तो दोस्तों मैं ईयरफोन लगा लेता हूँ, कभी कभी ईयरफोन लगा के मस्त गाना सुनते सुनते दौड़ो, क्योंकि ग्राउंड है यार, सड़क तो है नहीं। अच्छा, हमको सिखा रहा है, मस्त। तो चलते हैं। तो मैं रनिंग कर लिया हूँ और क्या बोलते हैं, अरे कहना क्या चाहते हो, सुबह भी हो गया देख लो। तो दोस्तों उजाला हो गया चारों तरफ और आधा घंटा तो रनिंग कर लिया मैं। तो अब चलते हैं गार्डन और वहाँ भी थोड़ा मोटा स्ट्रेचिंग वगैरह करना रहता है, तो मैं सोचा कि गार्डन ही चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात है, मैं सोच रहा था कि जब भी मैं अगर यहाँ पे आऊँ तो इसका वीडियो जरूर बनाऊंगा। यहाँ पे बहुत अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आप देखोगे लिखा हुआ है कि नेकी का कोना, मतलब अगर किसी, अगर आपके पास एक्स्ट्रा कपड़े हैं घर में जिसको आप नहीं पहनते तो आप यहाँ पे रख सकते हो, ताकि कोई गरीब या असहाय जिसको ज़रूरत है वो यहाँ से ले सके। और ऐसा मेरे को लगता है जगह जगह में होना चाहिए, ताकि किसी गरीब को कपड़ा मिल सके और वो आसानी से यहाँ से उठा सकता है। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा है तो आप रख जाओ, और अगर नहीं है तो जिसका जरूरत है वो ले लेगा। आ गया हूँ मैं गार्डन में और थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करते हैं।
चलते हैं घर, और तब तक आप लोग वीडियो में बने रहना। अभी घर पहुंचा नहीं हूँ यार अभी से कैसे, और एक्सरसाइज भी कर लिया, वॉक भी कर लिया, अब चलते हैं। तो दोस्तों घर चलते हैं। तो ये नहर पूरा 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 सूखा सूखा है, और इसमें भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। जितना भी गंदगी था ना नहर में, ये सब देख रहे हो, लकड़ी वकड़ी को काट के पूरा जला जुली के एक कर दिए हैं। इसको अभी और साफ सफाई किया जाएगा, और वहाँ पे ब्रिज बन रहा है उधर दूर में, उसके बाद पानी आएगा बाद में। तो ये भी ज़रूरी है, कई साल बाद नहर का इस तरह से साफ सफाई हो रहा है। तो दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना यार, अच्छा लगे वीडियो तो शेयर भी करना, और चलते हैं घर।